एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली मेंबर। तो कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करता हूं कि आप सब लोग ठीक है। तो गाइस, आज मैं फिर से निकल चुका हूं एक और नए ब्लॉग वीडियो शूट करने के लिए। तो बहुत पहले ही निकल चुका हूं घर से, अभी रास्ते पर हूं। मेरे पीछे अभी मुन्ना बैठा है, तो मैं बाद में वो फुटेज जाके दिखा दूंगा। तो अभी हम निकल चुके हैं रोड पे, तो अभी हम सीधा जाएंगे। सीधा चलते चलते थोड़ा सा ही दूर है, थोड़ा सा मतलब 14 या 15 किलोमीटर दूर है ये प्लेस जहाँ हम जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में मिलते हैं और फिर मंजिल दिखा देते हैं आपको। और हाँ गाइज, मैं एक चीज बताना भूल गया, आज का वीडियो जो होने वाला है एकदम फुल टू मस्त होने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग होगा, इसमें सारी हदें पार हो जाएगी। तो मतलब इतने अय्याशी करेंगे कि देख लेना वीडियो के अंदर ही कि हाँ आज क्या क्या होने वाला है। तुम्हें तैरना आता है ना? हाँ आता है, तब तो ठीक है फिर। नहीं तो पता चला कि तुम तैरना ही नहीं जानते और खामखा का सारा मजा एकदम किरकिरा हो जाएगा जिस जगह जा रहे हैं। अरे अंकल जी, रेड सिग्नल वाली टोपी दिखाने से थोड़ी ही गाड़ी रुकेगी अगर आप रॉन्ग साइड में आए तो। देखो फिर से नहीं यार, इस क्या बताऊँ, इस रास्ते पे डेली इतना सारा एक्सीडेंट होता है, मैं पूरा दिन देख के एकदम क्या बताऊँ, हक्का बक्का रह जाता हूँ। करीबन इस रास्ते पे दिन में 10 तो होते होंगे, 5-7 तो गारंटी है। मैं गारंटी देता हूँ कि हर रोज अगर आप इस रास्ते पे गए जंगी पुटू लाल गोला, तो आपको 10 एक्सीडेंट जरूर देखने को मिलेगा। इतना वाहियात हो चुका है यह रास्ता, मतलब क्या बताऊं। अभी दोपहर का टाइम है इसलिए अभी भीड़ नहीं है ज्यादा, लेकिन अब अगर आप बाद में आए ना 11 बजे 9 बजे या फिर 10 बजे, तो आपको इतना जैम मिलेगा कि आपकी बाइक या आपकी साइकिल ले जाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये देखो, ये जो है ये रामपुरा है, यहाँ पे अगर एक भी अगर लॉरी ने ना रुक गया तो पूरा जैम लग जाएगा। मैं रुक के दिखा देता अभी थोड़ी देर में, लेकिन वीडियो शूट करना है और जल्दी जाना है, मस्ती भी करनी है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में हूँ, नहीं तो बाद में दिखा देता। अरे बाबा रे, बोलो गाड़ी कितनी और समय, बोलो जी क्या हुआ? बाय बाय। आसमान देख रहे हो क्या खूबसूरत लग रही, और हम जिस जगह जाने वाले हैं क्या बताऊं, वहाँ की जो खूबसूरती होने वाली है ना एकदम लेवल अप। गाइस ये देख लो, ये जो है ये पंडितपुर मोड़ है इसके आगे, और इसके आगे से ही अगर आपको आना हो तो लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो रास्ता जो है खंदुआ जाने की वो लेफ्ट से ही जाती है। रास्ते थोड़ी शायद ख़राब है, अभी मैं बता नहीं सकता, बहुत दिन पहले आया था, अभी ब्लॉग शूट करने के लिए जा रहा हूँ, तो शायद रास्ता अगर ठीक होगा, नहीं रास्ता अभी भी शायद ख़राब है, बहुत ख़राब ना हो। तो गाइस हम खंदुआ के लिए एंटर कर चुके हैं पंडितपुर से, और इस तरफ से ज़्यादा तेज़ बाइक नहीं चलाऊंगा, क्योंकि यहाँ रास्ता जो है बहुत ही ख़राब है, हालत ख़राब हो जाएगी। अरे बाबा रे, लग रहा है कि नहीं बताना है, नहीं तो मतलब क्या बताऊं, गाली वाली नहीं देने का वीडियो के अंदर, फैमिली कंटेंट है ये, हम फैमिली ब्लॉग शूट करते हैं, गाली वाली अलग से दे दूंगा, रुक के तब भी ठीक है, लेकिन वीडियो में कोई गाली नहीं होगा। तो गाइज यहाँ पे रुक के जो हम थोड़ा सा वो सीन ले रहे थे वीडियो फुटेज के लिए, तो ये जो देख रहे हो आसमान, ये हम करीबन पहुँच चुके हैं, इससे आगे भी और भी बहुत खूबसूरत प्लेस है। तो चलिए, आग उगल रही है, तो रोहित बोल रहा है कि ये आसमान जो है आग उगल रही है। हाँ सच में गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपनी वेनम भी जो है गर्म हो चुकी है, इसलिए इसकी जो है कूलर ऑन हो चुकी है। तो गाइज चलो हम फिर से चल पड़े हैं। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं करीबन, और मतलब पहुंच ही गए,
अभी यहाँ से यू टर्न लूँगा, मतलब यू टर्न लूँगा बाई तरफ और सामने आ गए है खंदुआ। तो अभी जो है दोपहर का टाइम है इसीलिए काफ़ी खाली खाली है, लेकिन बाकी सब जो है यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, यहाँ पे बैठे हैं सब लोग। हम बाइक पार्क कर लेंगे, उसके बाद जो है हम भी थोड़ा सा मज़ा लेंगे। तुम रुकती, हम वहाँ से फ़ोटो शूट कर लेती। तो गाइज मैं अभी रुक के थोड़ा सा वो सीन ले लूँगा। भैया जो है आप कहाँ से रह रहे हैं? यहीं पे शायद मदरसा में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं आप? हाफिज मौलवी है, हाफिज है। कहाँ पर? ये आगे वाला। अच्छा, तो भैया आपका नाम बता देना। मेरा नाम, और तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद मोमिन इस्लाम। और तुम्हारा? तो ये भाई लोग जो आए हैं अपने चैनल के लिए आए थे देखने के लिए, तो मैं ये वीडियो कट नहीं करूँगा, मैं पूरा वीडियो डालूँगा, वरना तुम भी आ जाओ। चलो गाइस, अभी हम तैयार हो चुके हैं नहाने के लिए, तो हम उतरेंगे, कहाँ पर उतरेंगे देखते हैं। ये देखो मुन्ना है टॉवल पहन के, अभी हम रेडी है नहाने के लिए, जूते वूते सब कुछ उतार दिए है, देखो हेलमेट है। तो गाइस नहाना कंप्लीट हो चुका है, अभी हम फिर से फ्रेश होंगे, उसके बाद जाएंगे बाइक के पास। तो गाइस अपना नहाना हो चुका है कंप्लीट, एकदम पूरा भीग गए हैं। ये देखो वो टावर में खड़ा है, हम ज़्यादा शर्ट टी शर्ट या कुछ भी नहीं लाए, जो पहना था उसी से ही हमने नहा लिया। पता नहीं अब क्या होगा, हालत जो है ख़राब होने वाली है, क्योंकि ये जो पहन के रखा है ये पूरा भीग चुका है। अभी इसी में घर जाना पड़ेगा हम दोनों को, तो अभी ड्रेस चेंज करेंगे, ड्रेस चेंज करने के बाद मैं फुटेज दिखाऊंगा। यही भीगा भीगा सर। तो गाइस अपना नहाना जो है कंप्लीट हो चुका है और वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम निकलेंगे घर। अगर घर की तरफ जाने टाइम कोई भी फुटेज मिला तो हम उसे भी कैप्चर करेंगे और वीडियो में डाल देंगे, नहीं तो जितना शूट किया है वो पूरा वीडियो ही कैप्चर करके डाल देंगे। चलो चढ़ जाओ। तो भाई दोनों पापा की पड़िया शायद ट्यूशन है। ओहो
पापा की बढ़िया जो है वो स्कूटी के साथ आई है।